नमस्कार, माँ की रसोई में आपका स्वागत है। मैं ममता शर्मा आज बनाने जा रही हूँ पालक पकोड़ा। पालक पकोड़ा बनाने के लिए हमें सामग्री चाहिए। पालक 300 ग्राम, बेसन 1 कप, जीरा 1 चम्मच, पिसा अदरक व हरी मिर्च 1 चम्मच या स्वाद अनुसार, कटा हरा धनिया 1 चम्मच, नींबू का रस 2 चम्मच, गरम मसाला आधा चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, पानी आवश्यकता अनुसार, तलने हेतु तेल आवश्यकता अनुसार। सबसे पहले पालक को साफ करके 2 से 3 बार धो लेंगे और छलनी में आधा घंटा रखेंगे, जिससे कि इसका अतिरिक्त पानी सूख जाए, और चाकू की मदद से बारीक काट लेंगे, जो कि हमने पहले से ही काट कर रखा हुआ है। कटे हुए पालक में बेसन, हरा धनिया, जीरा, नमक स्वाद अनुसार, अदरक हरी मिर्च का पेस्ट स्वाद अनुसार, नींबू का रस, गरम मसाला डालकर बिना पानी के सामग्री को मिलाएंगे। 2 से 3 चम्मच पानी डालेंगे और मिलाएंगे। यदि आवश्यकता हो तो आप इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी भी मिला सकते हैं। हमारी ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें, यानी कि हमारे चैनल की सदस्यता अवश्य लें। मिश्रण बनकर तैयार हो चुका है। गैस जलाएंगे, कढ़ाई में तेल डालकर गरम करेंगे। थोड़ा थोड़ा मिश्रण हाथ में लेंगे और पकोड़े का आकार देंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। 1 मिनट बाद कड़छल की मदद से सामग्री को अलट पलट कर चलाते हुए मध्यम आंच पर हल्के सुनहरे रंग का होने तक तल लेंगे। ऐसे ही सभी पकोड़ों को तल लेंगे। एक प्लेट में टिश्यू पेपर डालेंगे और पकोड़ों को निकाल लेंगे। तेल को दोबारा से तेज आंच पर गर्म करेंगे, जब तक कि तेल में धुआं ना उठ जाए। तेल में धुआं उठ चुका है। दोबारा से पकोड़ों को डालेंगे और अलट पलट कर 1 मिनट तक तल लेंगे और दोबारा से प्लेट में निकाल लेंगे, जिससे कि पकोड़े क्रिस्पी बने। पालक पकोड़ा बनकर तैयार हो चुका है। अब गैस को बंद कर देंगे और मनपसंद चटनी के साथ गर्मा गर्म चाय कॉफ़ी के साथ परोसेंगे। हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट्स में बताएं, और यदि आपका कोई सवाल है तो उसको भी आप पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और हमारे चैनल की सदस्यता अवश्य लें, यानी कि सब्सक्राइब करें। इस विधि को आप हमारी वेबसाइट माँ की रसोई .net पर भी पढ़ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक और नए व्यंजन के साथ। धन्यवाद।